नमस्कार, जय हिंद। ज्ञान तंत्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कल का सवाल था कि वो क्या कारण थे जिससे गर्म दल व नरम दल अलग हुए। पर शुरू करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। आपके मन में उठे सभी सवाल आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1885 से 1905 का समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथों में थी, जिनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी नेता उदारवादी राजनीति में विश्वास करते थे और प्रत्येक उद्देश्य को क्रमिक व संवैधानिक तरीकों से प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि उदारवादी युग में कांग्रेस ने कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, परंतु इस वक्त कांग्रेस चाहती जरूर थी कि भारतीयों के दिल में राष्ट्रीयता और एकता का भाव जगे। और दादा भाई नौरोजी ने भी कहा कि देश की प्रगति के लिए विभिन्न धर्मों को मानने वाली जनता में भी एकता होना बहुत जरूरी है। उदारवादी युग में कांग्रेस ने अंग्रेज सरकारों से कई मांगे रखी, जैसे प्रशासन व्यवस्था में अधिक से अधिक भारतीय हों, तथा करों को न्यायपूर्ण और उदार भाव से लगाया जाए, और सभी प्रकार की शिक्षा सभी भारतीयों तक पहुँचे आदि। लेकिन कांग्रेस अपने उद्देश्यों को पाने के लिए प्रार्थना पत्र, मांग पत्र और प्रतिनिधि मंडलों का रास्ता अपनाती थी। इन सब प्रयासों से कांग्रेस को कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज शुरुआत में कांग्रेस को सामाजिक संस्था समझते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की थी। ध्यान से समझना, 1888 के पहले से ही ब्रिटेन और रूस के रिश्ते ठीक नहीं थे, जिससे अंग्रेजों को सैनिक सपोर्ट और टैक्स बराबर मिलते रहना जरूरी था, जिस कारण ये कांग्रेस के नेताओं से बने रहना चाहते थे। पर जैसे ही रूस का खतरा टला, अंग्रेजों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लिया। इसी कारण उग्रवादियों अर्थात गरम दली नेताओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्होंने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया, जिससे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना जरूरी समझा और कांग्रेस में फूट डालने के लिए गरम दल की कुछ मांगों को पूरा कर दिया। 1905 के आते आते यह स्पष्ट हो गया कि शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन से कुछ न होने वाला, और नरम दल की असफलताओं से गरम दल या उग्रवादी नेताओं का जन्म होने लगा। और 1905 में उदारवादी युग की समाप्ति के साथ कांग्रेस में से गरम दली नेता अलग होकर कार्य करने लग गए। पर 1907 को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। लेकिन नरम दलीय काल व्यर्थ नहीं हुआ। उदारवादी युग में ही भारतीयों के हृदय में राष्ट्रीयता का बीज डल चुका था। उग्रवादी सरकार की नीति से निराश हुए राष्ट्रवादी थे। भारत में आर्थिक शोषण के बढ़ने से, अकाल से, प्लेग आदि घटनाओं के होने से गरम दल को कारण मिल गया था अंग्रेजों का विरोध करने का। और तो और, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग कर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, वो भी हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर, जिससे उदारवादी कमजोर और निराश होते गए और उग्रवादी अपने मन में क्रोध भरते गए। उदारवादियों और उग्रवादियों में सिर्फ एक फर्क था, उदारवादी देश हित के लिए अंग्रेजों से मांग करते थे और उग्रवादी देश हित के लिए अंग्रेजों का जमकर विरोध करते थे। लेकिन बंगाल के ऐसे विभाजित हुआ और ये गरम दल और नरम दल आपस में एक हुए कि नहीं हुए वापस? अरे भाई, तो रुक तो यार। वही तो, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ तो कहाँ थे हम? नहीं यार, अब छोड़ो, बस हो गया। चलो छोड़ो यार, आज के लिए बस इतना ही। चलो छोड़ो फिर। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो क्या कारण था जिसने भारत के दो धर्मों के बीच दरार लाया, तो बने रहिए हमारे साथ कल की वीडियो में। अगर आज कुछ जानने मिला हो तो वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।